स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी ब्लॉग्स में और मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, भारत लॉकडाउन होते ही लोग प्रदेश से अपने गांव की तरफ कूच करने लगे और जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये नज़ारा है नवाबगंज के रिछोला के फैतुल्ला गांव का। कुछ लोग चंडीगढ़ से, जो मजदूर तबके के लोग हैं, वो चंडीगढ़ से अपनी साइकिलों से अपने गांव बहराइच जिले के लिए निकले कि रास्ते में रिछोला के फैतुल्ला के पास इनमें से किसी एक की साइकिल पंचर हो जाती है और अंधेरा देख रहे हैं आप किस तरीके से अंधेरा है। तो ये लोग रिछोला वालों से यानी गांव वालों से मदद मांगते हैं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते इन लोगों ने उनकी, देखिए किस तरीके से मदद कर रहे हैं और इनकी साइकिल का पंचर खुद जोड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई दुकान नहीं है साइकिल पंचर जोड़ने वालों की, लेकिन अपने ही घरों से ये जैसे तैसे औजार लेके आए और अपने ही हाथों से ये छोटे बच्चे और कुछ लोग साइकिल का पंचर जोड़ रहे हैं एक घर के अंदर। और ये देखिए, देख सकते हैं, ये है भारत, हमारा प्यारा भारत। बने रहिए, दिखाते रहेंगे पल पल की अपडेट आपको। आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हो? हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हो, किस से आए हो? साइकिल से आए। साइकिल से आए हो, क्या काम करते थे वहाँ पे? पत्थर रगड़ाई का करते थे। पत्थर रगड़ाई का काम, तो ऐसे में काम धंधा चौपट हो गया, क्या करेंगे? काम धंधा सब बंद हो गया जी, वहाँ से किराया वराया जैसे रहने का कोई व्यवस्था नहीं था। अच्छा, तो खाना बाना खाए हो वहाँ? हाँ, खाना तो खा लिया। कैसा सहयोग दे रही है यहाँ की जनता आपको? अब सहयोग जी यही रास्ते में खाना पानी खाने खाते पीते आए हैं। अच्छा, चेकअप हुआ आपका? हाँ, चेकअप तो हर जगह हुआ है। चेकअप हर जगह हुआ है, हर जगह हुआ। अच्छा, अभी आप साइकिल का पंचर, साइकिल पंचर हो गया आपका? हाँ जी, साइकिल तो पंचर हो गया। तो यहाँ के लोग जो हैं आपका कितना सहयोग कर रहे हैं साइकिल पंचर? बहुत कर रहे हैं सर, जैसे अपना टायर चढ़ा रहे हैं खोली पे। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? विजय पाल। विजय पाल, कहाँ से आए हो? चंडीगढ़। सब चंडीगढ़ से ही आए हो? क्या काम करते थे? पत्थर का ही काम करते। पत्थर का काम करते थे, तो कितने दिनों से चले हो वहाँ से? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन से चले हो, लगातार चल रहे हो। तो रास्ते में कोई दिक्कत वगैरह हुआ था? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खाना वाना? खाना तो मिला है। बरेली की जनता कितना सहयोग कर रही है आपसे? बस वैसे ही हिसाब से कर ही रही है हर जगह। अच्छा, कहाँ से आए? चंडीगढ़ से आए हो, कहाँ जाना है आपने? हमको जाना है जी बहराइच। बहराइच जाना है? साइकिल से जाइएगा? हाँ जी। तो कितना समय लगेगा बहराइच जाने में, पता है कुछ? अब 250-250 किलोमीटर अभी है, लग जाएगा, कल शाम तक पहुँचेंगे। तो रात में आप क्या करते हो, कहाँ ठहरते हो? रात में रुकते नहीं, बस घंटा खान रुक जाते हैं, उसके बाद चलते रहते हैं। जंगल बंगल का कोई खतरा रहता है? ना ना, कोई खतरा नहीं, सब बंदे आते जाते हैं। सब बंदे? कहाँ से आ रहे हो? चंडीगढ़। आपका नाम क्या है? उपदेश यादव। तो वहाँ पर आप भी यही काम करते थे? यही काम करते। तो अभी आप बेरोजगार हो गए, अब गांव जाओगे? गांव जाएंगे। क्या लग रहा है, लॉकडाउन से आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? नुकसान हुआ है। अच्छा, हम लोगों को क्या होगा? फायदा हम लोगों की क्या हुआ जी, मजदूरी साहब वो भी बंद हुआ सर। मजदूरी बंद हो गया? अब बंदे हुआ सर, जैसे वहाँ कमरे किराए भी देना था, खुराक राशन भी। अच्छा, एक तरफ जो कोरोना जैसी महामारी है, ऐसे में लॉकडाउन होना बहुत जरूरी था, आपको तो सहयोग करना पड़ेगा जनता सरकार का।